News 18, India. मुद्दों को लेकर किसान नेता जगजीत सिंह भी कुछ कह रहे हैं। जगजीत सिंह धन्यवाल जिनके अध्यक्षता में, या ये कहिए कि जिनका जो खेमा है किसान मोर्चा वाला, वो नेतृत्व कर रहा है किसान संगठन आंदोलन जो कर रहे हैं, ये वही जगजीत सिंह धन्यवाला हैं। आज किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत है और इस बीच पंजाब के बड़े किसान नेता जगजीत सिंह धन्यवाल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। क्या कहा है कि मोदी का ग्राफ मंदिर की वजह से बहुत ऊंचा पहुंच गया है और वो लोगों से सवाल कर रहे हैं कि मोदी के ग्राफ को नीचे कैसे लाया जा सकता है। आप सुनिए इस बयान को और फिर खुद तय कीजिएगा। मोदी का ग्राफ बहुत मंदर दे करके ऊपर चढ़ गया, वो नुकसान वो इहदा ग्राफ डाउन किवें आ सकदा है। मैं बहुत बारी जदों मैं पिंडां दे विच तैयारियां करवाउंदा फिरदा सी, बहुत बारी लोकां नूं इह कहिंदा सी कि मौका बड़ा थोड़ा है, ग्राफ उहदा बड़ा उच्चा चढ़िया हुआ, दिन साडे कोल थोड़े है, की असीं इहने थोड़े दिनां दे विच ग्राफ इहदा डाउन कर। भानु प्रताप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भानु जी, आपने सुना ना, जिनके नेतृत्व में ये मोर्चा संभाला हुआ है, जिनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन हो रहा है, जगजीत सिंह धन्यवाल, वो कह रहे हैं कि वक्त हमारे पास कम है, ग्राफ बहुत ऊंचा है, अब इसको किसी तरीके से नीचे लाना है। तो ये तो पॉलिटिकल हो गया ना, राजनीतिक होगी फिर मंशा तो पूरी। ऐसा है रूबका जी है? हम जो बता रहे हैं कि 80% किसानों का ये देश है, इसको उद्योग प्रधान बनाने का काम सरकार कर रही है, इसको इसको हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से निवेदन करते हैं कि इस कृषि प्रधान भारत को उद्योग प्रधान बनाने में वो रोक लगावे, सरकार पे शिकंजा कसे, क्योंकि भानु जी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, आप रिएक्शन तो दे दीजिए ना प्रभु, आप मैं कह रही हूँ मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी और माननीय प्रधानमंत्री तक न्यूज 18 इंडिया आपकी हर मांग को पहुंचा देगा। भानु जी, मैं आपकी हर मांग को पहुंचा दिया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ और सरकार की तरफ, जो भी आपकी मांगे हैं कि किसान आयोग का गठन हो जाना चाहिए। पर इस पर तो मुझे एक बार प्रतिक्रिया दे दीजिए ना, आपने धन्यवाला साहब को सुना, धन्यवाल क्या कह रहे हैं, है धन्यवाल साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये मंदिर ने ग्राफ बहुत ऊंचा कर दिया मोदी का, टाइम कम है ग्राफ को नीचे लेकर आना। वो उनका मन है, लेकिन राम मंदिर से न किसी का ग्राफ ऊंचा है न किसी का ग्राफ नीचा है। भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना था, वो उत्तर प्रदेश है, वो तो योगी बाबा का ग्राफ ऊंचा हुआ है, उसमें मोदी ने क्या कर दी क्या? मोदी तो प्रधानमंत्री थे, योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, हाँ। और योगी बाबा किसानों की बात सुनते हैं, हाँ। योगी बाबा ने गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से खत्म कर दी है, लूटपाट खत्म कर दी है, हम योगी बाबा के समर्थक हैं, लेकिन मोदी बाबा को अहंकार हो गया है। अच्छा, आप इस अहंकार को सुनिए, ये बात तो आपके योगी बाबा भी नहीं मानेंगे भानु प्रताप जी, और आप यहाँ कह रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुन रहे। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस से मिलेंगे, कितने भारतीय किसान यूनियन यहाँ पर हैं। आप कह रहे हैं हमारी बात नहीं सुनते, वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, धन्यवाल साहब कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, ये अभी हमारे साथ मंजीत सिंह साहब थे वो कहेंगे हमारी बात नहीं सुनते, किन किन से आप लोग एक इकट्ठे हो जाइए और एक नेता कीजिए, चुनिए और कहिए कि जाइए इनसे बात कर लीजिए। अब आती हूँ, एक सेकंड भानु साहब आती हूँ। मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज हमारे साथ खन्नौरी बॉर्डर से, पंजाब का ही एक बॉर्डर है, वहां से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। वहां किस तरीके के हालात है अमनदीप? देखिए रूबिका, आज भी कल की तरह हालात है और इंतजार इस बात का है कि क्या जो बैठक होगी शाम को उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा, क्या किसान आगे बढ़ेंगे और या फिर आज की बैठक के बाद कोई हल निकल जाएगा, क्योंकि कल की तरह या परसों की तरह एक तो आज भी खिनौरी बॉर्डर, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर है जिस रोड पर मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट सेवा पंजाब में बंद कर दी गई है, तो इस वजह से वहाँ पर ना तो इंटरनेट चल रहा है और दूसरा एक क्लैश जरूर है किसानों का और जो पुलिस बल जो हरियाणा की ओर से लगाया गया है उसका और
किसानों का एक हल्का फुल्का तनाव, वहां पर एक क्लैश आपस में है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले क्योंकि दागे जा रहे हैं भीड़ को रोकने के लिए कि किसान आगे ना बढ़े, तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी किसानों की ओर से की गई है। लेकिन एक 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 नया चीज, जो नई अपडेट आज के दिन किसानों ने जोड़ी है, क्योंकि ये 100 के करीब जत्थेबंदियां हैं जो हर दिन दो दो करके या तो बीच से अपना समर्थन हटाती हैं या एड ऑन होती हैं। तो हाँ। आज जो जोगिंदर सिंह ओग्राहा की सबसे बड़ी जत्थेबंदी किसानों की पंजाब में है, उन्होंने 12 से 4 बजे तक पूरे पंजाब की रेल रोकने का ऐलान किया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। और दूसरा, जो पॉलिटिकल क्लास है, जो जिन्होंने चुनाव लड़ा और जत्थेबंदियां हैं, जिसमें बलवीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां, जितनी ये जत्थेबंदियां जिनकी जलंधर में कल मीटिंग हुई, तो आज उनकी ओर से 11 बजे से 2 बजे तक पंजाब के सभी रोड, जो टोल है, जो रोड पर हाईवेज पर जितने टोल हैं उनको बंद किया जाएगा। तो ये जो रेल रोकना और टोल बंद करना, कहीं ना कहीं आम जो लोग हैं उनकी एक जो हलचल है, जो कनेक्टिविटी है, खास करके पंजाब में बाकी स्टेट्स के साथ, उसको प्रभावित करेगा रेल के जरिए और रोड के जरिए। और ये पिछले 2 दिनों से आज के लिए काफी अहम है कि अगर मीटिंग से कोई हल नहीं निकला तो दिल्ली जाना या बॉर्डर क्रॉस करना एक अपने आप में अलग चीज है, लेकिन जो पंजाब में ये स्थिति बन रही है कि इंटरनेट, चाहे वो अंबाला से लगते पटियाला बॉर्डर पर बंद किया गया इंटरनेट, या खनौरी बॉर्डर यहां पर संगरूर जिले में बंद किया गया पंजाब के लिए इंटरनेट, और टोल बंद करना, रेल बंद करना, तो ये कहीं ना कहीं किसानों की जो बढ़ती ये एक कह सकते हैं क्यूरियोसिटी है दिल्ली बढ़ने की या आंदोलन करने की, उसको और बढ़ावा दे रहा है। और जत्थेबंदियां, चाहे अभी तक इंटरनल क्लैश जत्थेबंदियों का है, चाहे वो पॉलिटिकल, आप ये कह रहे हैं कि आज जबकि सरकार से बातचीत होने वाली है, उसमें रेल और रोड दोनों को ब्लॉक करने के लिए आह्वान किया गया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर, क्योंकि जत्थेबंदी सबसे बड़ी ओग्राहा की है जोगिंदर सिंह ओग्राहा की, उनकी ओर से 12 से 4 बजे तक पंजाब की जितनी रेलें हैं, मेजर रेल ट्रैक्स जो हैं, उनको रोका जाएगा अलग अलग जगह पर, रेलवे स्टेशन पर जाके। और दूसरी ओर जो SKM पॉलिटिकल है, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल, हरमीत सिंह कादियां और सभी ये शामिल हैं, हाँ? उनकी ओर से 11 बजे से लेकर, जो टाइम शुरू हो चुका है, 2 बजे तक पंजाब के सभी टोल जितने हैं उनको बंद करवाया जाएगा। और वहां पर आप देख सकते हैं कि चाहे वो रेल रोकना है, चाहे वो रोड पर टोल बंद करवाना है, उससे कानून व्यवस्था चाहे कोई आहत ना हो, या पर आम जनजीवन जरूर, एक कनेक्टिविटी जरूर खराब होती है, और इसका जो साइकोलॉजिकल असर जाता है कि रेलें बंद है पंजाब में, तो जितनी कनेक्टिविटी पंजाब की है वो जरूर दूसरी स्टेट में बैठे लोगों को भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर डालती है। और ये सब उसके बीच हो रहा है, और इसीलिए ये चिंता भी पैदा करती है ना भाई। जो दिक्कतें, मान लीजिए किसान चाह रहे हैं कि उनके जीवन में सहूलत आए, परेशानी से भरा अगर उनका जीवन है वो बेहतर हो जाए, तो उनको दूसरी तरफ भी तो देखना होगा। कई ऐसे लोग होंगे जो इमरजेंसी में उन ट्रेनों का इस्तेमाल कर रहे होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो सड़क का इस्तेमाल उस वक्त, खुदा ना खास्ता, हो सकता है किसी की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, किसी को अस्पताल पहुंचना होगा, किसी को अपने बच्चे को लेने जाना होगा, 10 तरीके के जिंदगी में काम होते हैं वो पूरे करने होंगे, और ऐसे में अगर आप रोड ब्लॉक कर देंगे, आप रेलवे को रोक दे,